हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर, लास्ट क्लास हमारा फ्रैक्शन का बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ था। फ्रैक्शन बेसिकली परसेंटेज और फ्रैक्शन जो है एक जैसा ही है ना। फ्रैक्शन को ए बाई बी में डिनोट करते हैं और जो परसेंटेज को है वो 100 से डिनोट करते हैं। नहीं तो फ्रैक्शन में हमने बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, आज हम उसका एप्लीकेशन परसेंटेज में भी करेंगे और परसेंटेज को एक नई तरीके से सीखेंगे, है ना। परसेंटेज का क्वेश्चंस करेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है जी। जी चलिए, तो ज्यादा लेट ना करते हुए हम परसेंटेज की ओर बढ़े। बिल्कुल सर, ठीक है। मैं एक सजेशन आपको दूंगा कि अगर आपने मेरा फ्रैक्शन पार्ट वन और पार्ट टू का क्लास नहीं किया है तो उसको एक बार जाके कर लीजिएगा। उसको करने के बाद क्या होगा, बेसिक्स बहुत क्लियर होंगे और उसके बाद फिर जो है परसेंटेज का कीजिएगा क्लास तो और मजा आएगा, है ना जी। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने क्लास में। लेट्स बिगिन। क्या इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपको कभी भी किसी भी तरह का नोट्स चाहिए तो आप ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ऐप भी है, नेट वाला भैया ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से ये सारे कोर्सेज आपके वहां पे चल रहे हैं, फ्री और पेड दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें। सर परसेंटेज की बात करते हैं ना, अपन पढ़ने वाली बात करते हैं। आइए परसेंटेज अगर बात करें तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर, परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर, है ना। दो वर्ड से, एक तो क्या है पर, एक क्या पर, और सेंटेज मतलब सेंट से आया है, है ना। तो पर का मतलब क्या होता है भाई साहब, पर का मतलब वो कहते हैं प्रति या एच, है ना। और सेंट का मतलब होता है सौ, क्या होता है सेंट का मतलब सौ। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रति सौ में से, प्रति सौ में से मतलब क्या हुआ सर, एग्जाम्पल देखिए बताएंगे। कह रहा फॉर एग्जाम्पल, है ना, क्या बोला 10%, क्या मतलब हुआ उसका 10/100, क्या मतलब हुआ कि इस सौ में से ये 10 हिस्सा है, क्या मतलब हुआ इस सौ में से 10 हिस्सा है। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बताइएगा, नहीं तो इस चीज को देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि जिस भी फ्रैक्शन वैल्यू में, क्या बोल सकते हैं हम कि जिस भी फ्रैक्शन वैल्यू में ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू के डिनोमिनेटर में, सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू के डिनोमिनेटर में, है ना, जिसको हर कहते हैं, क्या कहते हैं हर, डिनोमिनेटर में 100 लिखा हो उसको परसेंट कहते हैं, है ना, उसी को परसेंटेज कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो एक बात हमको यहां तक समझ में आ गई सर, क्या कि ये 100 जो है जो बेस वैल्यू होगा वो 100 होगा और यही परसेंटेज को डिनोट करता है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ए बाई बी का जो फॉर्म है ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और अगर इसका परसेंटेज लिखे तो 10% लिखा जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं सर, है ना। अब हमने ना एक चार्ट बनाया था सर, कौन सा चार्ट बनाया था याद होगा, फ्रैक्शन चार्ट जिसको हम लोग परसेंटेज चार्ट भी कहते हैं, है ना। कौन सा सर, ये हमने लिखा था ना कि फ्रैक्शन जो है परसेंटेज के बराबर है कब, जब परसेंटेज 100 से डिनोट होता है और फ्रैक्शन 1 से डिनोट होता है, है ना जी सर। तो अगर हम बात करें कि अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो उसे तो परसेंट को भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो अगर हम बात करें 1/2, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा 100/2, यानी कि कितना हो जाएगा 50%, है ना। तो ऐसा चार्ट हम बनाए थे याद होगा आपको जी। तो हमने लिखा था 1/3 को हम कहते हैं
33.33%, है ना। 1/4 को हम कहते हैं 25%, 1/5 को हम कहते हैं 20%, 1/6 को कहते हैं 2/3%, फिर 1/7 को हम कहते हैं 14.2%, 1/8 को कहते हैं 12.5%, है ना। 1/9 को कहते हैं 11.1% और 1/10 को हम कहते हैं क्या सर 10%, ठीक है। ये कहते हैं, ये चार्ट हमेशा याद रखिएगा। देखिए निकालने का तो आप तो निकाल सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आपको ये फ्रैक्शन चार्ट या परसेंटेज चार्ट याद होगा ना तो आप इजीली से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। चले अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ज्यादा लेट ना करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 32 ऑप्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर अ पिकनिक। तो कह रहा भाई साहब 40 विद्यार्थी हैं एक क्लास में, और उस 40 विद्यार्थियों में 32 ने यह डिसाइड किया कि हम पिकनिक पर जाएंगे, तो कितना परसेंट विद्यार्थियों ने यह डिसाइड किया कि हम पिकनिक चल रहे हैं। तो भैया उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 32 लोग थे, है ना, उस टोटल कितने में से 40 में से, तो भैया 40 में से 32 मतलब सर ये बेस वैल्यू है ना, और 40 में से 32 लोग क्या डिसाइड करने वाले थे कि भाई साहब हम पिकनिक में जाएंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से, क्यों, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है किस चीज का, ऑप्टेड फॉर पिकनिक, है ना। तो परसेंटेज के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इनटू से, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, इनटू से मल्टीप्लाई नहीं, 100 से मल्टीप्लाई जी। अब काटिए 8 × 32, 8 × 5 = 40, 5 से काट दीजिए 20, कितने परसेंट बच्चे हो गए, 80%, 80% बच्चे जो हैं ये डिसाइड उन्होंने किया कि वो पिकनिक पे जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक तो मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं, अरे तो इजी है, बच्चा हलवा वाला है, इसमें क्या ही दिक्कत है ना, लेकिन मजा आएगा इसी में। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स, क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स ऑफ एसिड एंड वाटर, एसिड और वाटर का मिक्सचर है कितने का भैया, सर 80 लीटर का, उसमें क्या कह रहा है, कंटेन 20 लीटर्स ऑफ एसिड, भाई साहब जिसमें मिक्सचर में से 20 लीटर एसिड है, तो पूछ रहा है परसेंट बताइए, व्हाट इज द परसेंट ऑफ वाटर इन दिस मिक्सचर। तो सिंपल सी बात है क्या कि सर मिक्सचर अगर कितना है, मिक्सचर अगर 80 लीटर है तो, और एसिड अगर 20 लीटर है तो ठीक है, वाटर डेफिनेटली इसमें माइनस कर देने से आ जाएगा, अगर हम माइनस कर देंगे तो 60 लीटर हो जाएगा, है ना जी। और पूछा है क्या कि सिर्फ वाटर का बता दीजिए, तो वाटर का बताने के लिए हमको क्या करना पड़ा, 60 लिखना पड़ा डिवाइडेड बाय 80, क्यों, क्योंकि पूछा है मिक्सचर में से कितना है ना, इनटू 100, 100 काट दीजिए, और आप कैसे काटेंगे, 2 × 8 और 15 × 60, फिर ये 2 से काट दीजिए 5, आ जाएगा 75% आंसर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बताना मुझे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा क्या देखना है, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या पूछा है, मिक्सचर ऑफ लीटर, ये आ गया है ना, यहां पूछा था परसेंटेज, किसका परसेंटेज पूछा है, वाटर का, तो वाटर का परसेंटेज पूछा, वाटर कितना था 60 ऊपर लिख दिया, नीचे पूछा किससे, मिक्सचर से, तो 80 लिख दिया, और चूंकि मुझे परसेंट में चेंज करना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ थर्ड कॉन्सेप्ट में चलते हैं। देखो थर्ड जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ये इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आपके डीआई में बहुत मदद करेगा, क्या करेगा, डीआई में बहुत मदद करेगा। बोला एक्स और वाई के पास, एक्स के पास 40 रुपया, वाई के पास 50 रुपया है, ठीक है, एक्स के पास क्या है 40 और वाई के पास 50। पूछा है एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, ध्यान से क्वेश्चन समझना, कह रहा है x कितना परसेंट है y का, किसका y का, तो बेस वैल्यू क्या हो गया, यहां बेस वैल्यू हो गया y, इसका मतलब सीधा सीधी बोल रहा है y नीचे होगा x ऊपर होगा, इनटू 100 कर दो आंसर आ जाएगा,
एक्स का वैल्यू 40 ऊपर 50 सॉरी नीचे 50 इंटू 100 यानी कि 80% पूछ दिया। जी सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है, पूछा एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, सॉरी एक्स डॉट हाँ वाई का कितना परसेंट, ठीक बात है ठीक। वाई नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, एक्स का कितना परसेंट है वाई, यहां दे ध्यान दो ऊपर अपोजिट था, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, वाई का कितना परसेंट है एक्स, तो 80% है, वाई देखो 50 है और एक्स कितना है 40 है, तो ऐसे 80% हो गया। अब अपोजिट करो, जस्ट अपोजिट क्या करना है सर, ऑफ एक्स पूछा है तो एक्स नीचे जाएगा वाई ऊपर जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा ठीक है, परसेंटेज निकालना है जी, और वाई का वैल्यू कितना 50, एक्स का वैल्यू कितना 40, 100 करो एक जीरो कट गया, दो दूने के चार, दो पचे के दस, फिर दो से काट दो 25, 25 पचे 125% आंसर। कोई दिक्कत है नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट में ध्यान से देखना क्या कह रहा है, एक्स इज व्हाट परसेंट लेस देन वाई, तो सर वाई से कितना लेस देन है, ऊपर वाला क्या पूछा था, ऊपर वाला पूछा कि अपने आप में वाई 50 है और एक्स 40 है तो बताओ वाई के बराबर कितना है एक्स, वाई के बराबर कितना है एक्स, इसको ऐसे भी कह सकते हो वाई अगर 100% है और 100% की वैल्यू 50 दी हुई है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और यही 40 दिया हुआ है यहां देख लो निकल गया ठीक है समझ गए। अब लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में क्या कहा, थर्ड नंबर वाले में, थर्ड नंबर वाले में इसने कहा कि कितना कम है वाई से, वाई से कितना कम है सर, वाई 50 एक्स 40 दोनों का डिफरेंस 10 ठीक जी, किससे वाई से, तो वाई क्या हो जाएगा बेस वैल्यू, वाई क्या है बेस वैल्यू, ऊपर क्या डिफरेंस 10 इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है, आ गया 20%। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां पे लेस देन और मोर देन वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको डिफरेंस लेना पड़ता है याद रखिएगा, और जहां देन जिस पे लिखा रहेगा, जिस पे देन लिखा रहेगा जैसे लेस देन एक्स, लेस देन वाई, लेस देन जेड, लेस देन राम, लेस देन श्याम, कुछ भी लिखा रहे तो देन के बगल में जो रहेगा ना वो आपकी बेस वैल्यू रहेगी, वो आप उसको नीचे लिख दीजिएगा, आंसर आपका सही आएगा, और लेस देन और मोर देन में डिफरेंस हमेशा निकालना होता है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा वाई इज व्हाट परसेंट मोर देन एक्स, वाई जो है एक्स से कितना ज्यादा है, एक्स कितना था 40, वाई कितना था 50, यहां पर डिफरेंस क्या निकलेगा 10, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले में, यहां लेस देन वाई है यहां एक्स है तो इसकी बेस वैल्यू बदल जाएगी, परसेंटेज क्या हो जाएगा एक्स यहां हो जाएगा, यहां डिफरेंस हो जाएगा और इंटू 100 होगा, इसका मतलब 10 यहां होगा, यहां 40 होगा, यहां 100 होगा, काट दोगे तो ऐसे कट जाएगा, दो दूने के चार, दो पचे के दस और दो पचे के दस कट गया, तो टोटल आ जाएगा 25%, समझ रहे हो, तो देन एक्स के बाद जो भी लेस देन मोर देन होगा डिफरेंस निकाल लीजिए, और जो भी देन के बाद जो भी लिखा होगा वो आपकी बेस वैल्यू आ जाएगी नीचे वैल्यू ठीक है। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करें तो और क्लियर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्स 60 है वाई 80, कह रहा है एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, वाई का कितना परसेंट एक्स है, यही कह रहा है जी, वाई नीचे लिखा है तो नीचे वाई लिख दो, ऊपर एक्स लिख दो, इंटू 100 कर दो, ये क्या है परसेंट पूछा है ना, तो बेस वैल्यू क्या है भाई साहब 80, ऊपर एक्स क्या 60 इंटू 100 कर दो, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 कर दो 15, कितना आ गया 75% आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर है ना जी। चले नेक्स्ट चले, क्या y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, अब x नीचे हो जाएगा क्योंकि x में x का कितना परसेंट पूछा है y, y ऊपर हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, परसेंटेज निकालो ठीक है,
अब वाई कितना, सर वाई आपका दिया होगा देख लो 80, एक्स 60 इंटू 100 काट दो, काट दो तो कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 दुना का 6 और 40 दुने का 80, ठीक है ना, 400 भागा 3 यानी 400 भागा 3 करिएगा तो 133.33% आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, है ना। नेक्स्ट क्या पूछा, पूछा x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, y से कितना x परसेंट कितना कम है, लेस देन, तो y कितना था भाई, y था आपका 80, x कितना 60, यही है ना जी, डिफरेंस कितना निकलेगा 20 का परसेंटेज निकाल दीजिए, 20 डिफरेंस नीचे किसे पूछा है y से, तो y की वैल्यू नीचे आ जाएगी इंटू 100 क्या होगा 20 से कम 20, 20 चौके 80 काट दीजिए ये 25 आ जाएगा 25%। बोला क्या है x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, तो भैया y से x 25% कम है, क्लियर बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट y इज व्हाट परसेंट मोर देन x, ये तो बीसी होगा, डिफरेंस तो दोनों सेम ही होगा, y 80 है ना और x 60, तो डिफरेंस क्या हो गया 20, लेकिन परसेंटेज निकालेंगे तो बेस वैल्यू किसे पूछा है, x से कितना ज्यादा है, तो x का क्या वैल्यू है 60, ऊपर क्या जाएगा 20, यहां इसको कितना 100, 20 से कम 20, 20 दिया 60, 100 बाय 3 यानी कि 33.33% ये हो गया आंसर, समझ रहे हो, बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं इतना इजी तो कॉन्सेप्ट है यार, इससे क्या इजी बताऊं, देखो बेसिक्स अभी बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे लेके आएंगे, ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है इंसेंटिव ऑफ 4 मंथ्स इज गिवन, 4 महीने का इंसेंटिव दिया हुआ है अलग अलग महीने का, मार्च अप्रैल मई और जून का, ठीक है आ जाओ देखें जी, कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इंसेंटिव फ्रॉम मार्च टू जून, किससे पूछा, मार्च से जून के बीच में, तो पहले देख लेते हैं कि क्या बदलाव आया है, मार्च में कितना था भाई, मार्च में 6000 और जून में कितना था भाई, जून में था 10000, ठीक है डिफरेंस कितना आएगा 4000, है ना आ गया 4000 का डिफरेंस, पूछा क्या है किससे, फ्रॉम मार्च, मार्च से जून में कितना चेंज हुआ, तो बेस क्या हो जाएगा मार्च, क्योंकि मार्च से शुरू हुआ है, तो हम अगर बदलाव देखेंगे तो बेस ईयर से देखेंगे हमेशा, कि कोई भी चीज की शुरुआत बेस से होती है, तो मार्च से अगर शुरू हुआ है तो यही बेस वैल्यू हो जाएगा, तो इसका परसेंटेज क्या होगा, बदलाव जो चेंज होगा वो क्या होगा 4000 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100, तो एक दो काट दो, एक दो काट दो, फिर एक काट दो यहां से, एक काट दो, 400 बटा 6 यानी 200 बटा 3 यानी कि कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 66.67%, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकेंड है, इसी डेटा का सेकेंड है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रोथ रेट इन इंसेंटिव इन मे ओवर द प्रीवियस मंथ, तो भैया मई के पहले में क्या ग्रोथ रेट हुआ, देख लो मई, मई का कितना भाई, मई का 8000, उससे पहले कितना था 4000, तो अप्रैल में कितना था 4000, ठीक है, और मई में कितना था सर 8000, यही है ना जी, तो डिफरेंस कितना आ गया 4000 का, परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ क्या था अप्रैल, यानी कि बेस ईयर अप्रैल हो जाएगा, तो अप्रैल इंटू 100, डिफरेंस कितना 4000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100 यानी कि 100% जो था ग्रोथ था, नीचे भी चार ऊपर भी चार क्यों लिखे सर, नीचे वाला तो चार भाई, बेस वैल्यू दिया हुआ है 4000 और मई से अप्रैल के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है वो चार है, इसलिए 100% ग्रोथ है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर फाइव का थर्ड देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द इंसेंटिव इन अप्रैल, तो अप्रैल में क्या बदलाव हुआ इसकी बात कह रहा है, देखें आ जाओ अप्रैल, ठीक है
तो फिर मार्च से लेंगे, मार्च में कितना था? 6,000। ठीक है, और अप्रैल में कितना था? सर 4,000, है ना जी। अब डिफरेंस कितना? सर 2,000। परसेंटेज निकालेंगे, डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू यानी कि मार्च इंटू 100, है ना। अब डिफरेंस है 2,000, मार्च में कमाया आदमी 6,000 इंसेंटिव मिला, इंटू 100। काट दो, एक और काट दो, 200 बाय 6, तो 200 बाय 6 तो 100 बाय 3 कर लो, 100 बाय 3 यानी कि 33.33%, यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है ना? नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब आओ इसके बाद, एक क्वेश्चन के बाद और मजेदार क्वेश्चन आएगा, है ना। ये क्वेश्चन हो गया, कितना नंबर था ये? 5 नहीं, एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद फिर मजेदार क्वेश्चन आएगा। देखो क्या कह रहा है, हरी सेव 900 रुपया आउट ऑफ टोटल मंथली सैलरी 14,400, फाइंड हिज परसेंटेज ऑफ सेविंग। देख लो यार, सीधा सीधी बात है, 14,400 रुपया सैलरी था, उसमें से 900 रुपया वो क्या किया? सेव कर लिया, तो बताओ परसेंटेज क्या है? सीधा सीधी तो है यार परसेंटेज, 900 रुपया बचाया कितना में से? 14,400 में से, इसको 100 कर दो, ठीक है, काट दो, 900 भागा आपका 144 कर लो, कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90, यानी कि ऑलमोस्ट 60%, कितना आएगा? 60%। कैसे किए सर? 150 के आसपास मान लिए, 15 छक्का 90 होता है 60% के अलावा, है ना, तो 61% के आसपास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 61 या 62% के आसपास, देख लीजिएगा, है ना जी, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है जी, बेसिक चीज था इसीलिए नहीं बताया। चलो एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अक्सर इसे सवाल पूछा जाता है आपके डीआई में बहुत, और आप बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ है भी नहीं। मान लो सपोज करो, सपोज करो आपका इनकम है 100 रुपया, आपका एक्सपेंडिचर है 70 रुपया, तो भैया सेविंग्स कितना हो जाएगा? 30 रुपया। आप महीने का 1 लाख कमाते हो, 1 लाख में 70,000 रुपया खर्चा हो जाता है, तो पैकेटवा में कितना बचा? 30,000, वही कह रहा है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भैया इनकम में से, मेरा जो इनकम है उसमें से खर्चा को घटा देंगे तो बच्चे का वो सेविंग हो जाएगा, है ना। अभी तक तो यही समझ रहे थे जी। अब हम इसको ऐसे भी लिख दें, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक्सपेंडिचर 70, सेविंग्स 30 और इनकम 100, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत होगा? एक्सपेंडिचर में सेविंग को जोड़ देंगे तो मेरा इनकम निकल के चल जाएगा, हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। बिल्कुल सर। अब एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? सर ऐसा बताइए, 70 30 को जोड़ दिए तो 100 आ गया, 100 में 70 माइनस कर दिए तो 30 आ गया, तो 100 में से 30 भी तो माइनस कर सकते हैं, मतलब इनकम में से सेविंग को घटा दिए तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये भी होगा कि इनकम में एक्सपेंडिचर को घटा दिए, सॉरी इनकम में सेविंग्स को घटा दिए, एक्सपेंडिचर तो ऊपर बताया ही मैंने, इनकम में सेविंग्स को घटा दिए तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये था 100, ये था 30, तो 70 रुपया खर्चा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तीन चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इनकम जो हम अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च जो हम अपना अलग अलग चीजों पे एक्सपेंस कर रहे हैं, और उसके बाद जो बच गया वो पैसा सेविंग, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, इसके बाद अब क्वेश्चंस में काम आएगा। चलें जी सर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? कह रहा है नरेश अर्न 30,800 पर मंथ, कितना? 30,800 पर मंथ कमाता है, ठीक है। ही कीप्स
50% फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब सीधे सीधे कह रहा है भैया घर का खर्चा के लिए 50% रखा, 15% पैसा जो है वो अपना पर्सनल एक्सपेंस के लिए रखा, ठीक है, एंड 20% फॉर एक्सपेंडिचर इन हिज चिल्ड्रन एंड द रेस्ट सेव किया। मतलब 50% घर का खर्चा, 15% पर्सनल खर्चा और 20% चिल्ड्रन का। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ इसका, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ सर, 50% प्लस 15%, हाँ 15% प्लस 20%, टोटल कितना हो गया जी 85%। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। अगर इनकम 100% है और एक्सपेंडिचर 85% है तो सेविंग कितना होगा, 15% होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना जी सर। तो जब सेविंग से पूछा गया है कि एंड द रेस्ट ही सेव, इतना खर्च करने के बाद वो बचाता है, व्हाट अमाउंट डज ही सेव पर मंथ, पर मंथ कितना बचाता है। तो भैया कुछ नहीं करना है, कितना सेव करता है 30,800 का 15% यही सेव करता है। काट दो काट दो काट दो काट दो, ठीक है, कितना हो गया सर 15,3,4,500 प्लस 15 ठीक कितना हो जाएगा 15×60 = 120 यानी कि 4,620 रुपया ये सेव करता है। क्या करता है 4,620 रुपया बचा लेता है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था जी। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल हैज इंक्रीज्ड, कितना 450 से 495 हो गया, ठीक है, पहले कॉस्ट कितना था 450 और इंक्रीज हुआ वो कितना था, इंक्रीज्ड कॉस्ट 495, डिफरेंस क्या है भाई साहब 45 का है जी। पूछा कितना परसेंट से कॉस्ट इंक्रीज किया, तो भैया डिफरेंस परसेंटेज से निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना का डिफरेंस था 45 डिवाइडेड बाय सर कॉस्ट पहले कितना था उसी से तो इंक्रीमेंट देखेंगे जी, यानी बेस वैल्यू 450 × 100 10 काटिएगा, ठीक है, और एक मिनट, ठीक है ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना 10%, कितना बच गया 10%। तो कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ कॉस्ट 10% से, 450 का 10% 45 होता है, जोड़ दीजिएगा तो 495 आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज है, क्या हुआ पहले कॉस्ट कितना था 450, हम बढ़ा दिए तो 495 हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन आ रहा है और अब थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है, यही चीज है। कह रहा है अ मैन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का 12.5% वो क्या करता है खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% देन फाइंड चेंज इन हिज सेविंग्स। तीन चीजें मैंने बताई थी, क्या क्या, सबसे पहले 1/12 = 1/2% = 1/8 होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, यही मैंने बोला था याद करने के लिए, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। अब तीन चीजें अभी मैंने बताया, क्या मैंने बोला एक्सपेंडिचर सेविंग्स और यहां बोला टोटल इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देंगे तो इनकम निकल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तकलीफ नहीं सर। अब मुझे बताओ कि ये क्या कह रहा है, 12.5% जो है अपने इनकम का वो क्या कर रहा है स्पेंड कर रहा है, ठीक है जी, 12.5% खर्च कर रहा है, मतलब टोटल इनकम इसका कितना होगा 8 होगा, उसमें से एक ये एक्सपेंडिचर में डाल रहा है यानी कि स्पेंड कर रहा है, क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। तो यहां देख लो टोटल, अगर टोटल इनकम कितना है भाई 8 है ना, और एक्सपेंस कितना कर रहा है 1, तो सेविंग कितना होगा 7। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, 12.5% बोला भैया हम क्या कर रहे हैं अपने इनकम का खर्च कर रहे हैं 12.5%, 12.5% की वैल्यू कितना 1/8, 1/8 मतलब नीचे वाला बेस वैल्यू 100% जी, तो 8 क्या हो जाएगी इसका इनकम, ऑब्वियस बात है उसमें से एक ये खर्च कर रहा है, एक खर्च कर रहा है, तो 7 क्या हो जाएगा इसका सेविंग,
है ना जी। अब ये क्या कह रहा है कि जो अपना एक्सपेंडिचर है और इनकम, पहले इनकम बोला, पहले इनकम जो है वो 10% से बढ़ा दिया। क्या बोला? इनकम क्या किया, 10% से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और एक्सपेंडिचर जो है 20% से इंक्रीज कर दिया। तो बोला बताओ बताओ कि भाई साहब मेरा सेविंग के कितने परसेंट में चेंज हुआ। तो देखो 80% से इनकम था, एक्सपेंडिचर 20%, तो 60% क्या हो जाएगा, सेविंग होगा कि नहीं होगा जी। और 60% जब ये 1 के बराबर ये है, तो 7 के बराबर क्या हो जाएगा, 7 के बराबर मतलब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 60/7, 60/7 करिएगा तो कितना आएगा, 8/8.55% आएगा। ये देख लीजिए, कर लीजिएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, इतने परसेंट से ये जो है बदला, 8.55% से ये क्या हुआ, चेंज हुआ। क्या हुआ? चेंज हुआ, ठीक है, क्लियर है बात। अभी देखो क्या बदलाव आया, कैसे समझ में आ गया सर बदलाव आया, देखो इसको समझना ध्यान से। अभी कितना आ रहा है, 8.55% आ रहा है ना जी, ठीक, सत्य ठीक, 56, हाँ ठीक है। अब देखो इतने से ये बढ़ा, अब इसको मैं प्रूफ करूंगा। कैसे प्रूफ करोगे सर? देखो यार 100% क्या रहता, अगर आपका इनकम 100% रहता, ठीक है, तो भैया वो क्या बोला, 12.5% मेरा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर 12.5% है, मतलब 87.5% क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सेविंग्स, ठीक है, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि भैया ये जो है कितना परसेंट का डिफरेंस आ रहा है। देखो यहां अभी कितना आ रहा है, ये 60% आ रहा है, और यहां कितना सेविंग्स है, 87%। देख लो इंक्रीमेंट क्या हुआ, देखो 60% बता रहा है कब, चेंज करने के बाद, जब आप बढ़ा देते हो एक्सपेंडिचर को 20% से और इनकम को 10% से, तब क्या होता है, तब इसका सेविंग कितना हो जाता है, 60%, कितना 60%। और जब नॉर्मल रहता है, जब अपने आप में ये 100% और एक्सपेंडिचर 12.5% रहता है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना होता है, 87.5%, कितना 87.5%, ठीक है। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 27.5 के आसपास का, यही इंक्रीमेंट को डिवाइड किया है किससे, इससे, और यही यहां से जो है इंक्रीमेंट हुआ इसका क्या परसेंटेज। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, आया ना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना जी सर, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर बात जी। चलिए आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, समझ में आएगा, दो तीन क्वेश्चन बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या, अ मैन स्पेंड्स 9,000 ऑफ हिज इनकम, ठीक है, ₹30,500, मतलब इसका एक्सपेंडिचर कितना है भाई साहब, 9,000 है, और इसका जो है इनकम कितना है, 13,500, यही दो लिखा है, कह रहा है यहां तक पता चल गया कि एक मैन का खर्चा 9,000 है, जिस कितने में से उसके इनकम में से आ इतना है। कह रहा है इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय 14% एंड 20%, फाइंड परसेंट चेंज इन हिज सेविंग्स। देखो यार इनकम इसका कितना, मान लो रेशियो में ले आओ यार, 2 और 3 आ जाएगा रेशियो, ठीक है जी। चलो अब क्या हो रहा है, ध्यान से पहले बनाओ, बोला एक्सपेंडिचर सेविंग, तब यहां आ जाता है इनकम, ये बात पता है जी। एक्सपेंडिचर है 2, इनकम है 3, तो सेविंग कितना हो जाएगा 1, कोई डाउट है इसमें, कहीं कोई डाउट नहीं सर। चलिए अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ इज इनकम, इनकम कितने से बढ़ गया, 14% से, बढ़ा दीजिए 14% से, इनकम कितना आ गया, 42%, है ना, 1 मिनट, 14 से 20 से, रुको तो, ठीक है ठीक, चलो देखो
इफ हिज इनकम 14% और एक्सपेंडिचर 20 से बढ़ा है ना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और ये बढ़ गया 20 से, ठीक है, तो कितना हो गया 40, कितना हो गया 40, ठीक है, तो भैया सेविंग कितना से बढ़ गया, तो ये यहां 42% था, यहां 40% है, यहां क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2% से सेविंग बढ़ा, कितने से बढ़ा 2% से, कितने से बढ़ा 2% से, क्लियर बात, कोई बात दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलें, आ जाओ नेक्स्ट का कहानी देखते हैं, कह रहा है शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल वो कुछ सामान खरीदा कितना में 189,760 रुपए में, ही सोल्ड 2/5 ऑफ देम एट द 13% प्रॉफिट, ठीक है, कह रहा है 13% प्रॉफिट पर उसने सामान का 2/5 हिस्सा बेच दिया, ठीक है, इसका मतलब टोटल हिस्सा कितना है 5 है, बेचा कितना 2 हिस्सा, तो 3 हिस्सा अभी बचा हुआ है जी, आ जाओ कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग सो दैट मे गेन 90% प्रॉफिट ऑफ, तो ये क्या कह रहा है कि भैया देखो 2/5 हिस्सा बेचे 13% प्रॉफिट पर, 3/5 हिस्सा कितना पर बेचे नहीं पता हमको, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि अगर हम टोटल बेचेंगे तो 19% का प्रॉफिट होगा, आ जाओ देख लो इसको भी ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2/5 हिस्सा बेचा, सोल्ड किया 13% प्रॉफिट पर, तो 2/5 मतलब 5 में से 2 हिस्सा बेच दिया 13% प्रॉफिट पर, 3/5 सोल्ड कितना पे किया नहीं पता, लेकिन 5 हिस्सा ये सोल्ड किया है इतना पे कि 19% का प्रॉफिट हो जाए, यही बात बोल रहा है जी, आ जाओ क्या होगा 2 हिस्सा 13% प्रॉफिट पर सोल्ड किया जी सर, कितना 26%, टोटल कितना पे करना था 19% पर, इतना प्रॉफिट हो जाए कि टोटल हिस्सा को 19% से एक प्रॉफिट पे जाएगा, ये कह रहा है ना कि टोटल हिस्सा को हम जो बेचेंगे उसमें 19% का प्रॉफिट होगा, देखो ठीक है जी, नेक्स्ट अब जो बचा 5 में से 2 हिस्सा तो 13% पर बेच दिया, पांचों मिला के 19% प्रॉफिट बचा, तो बोला बच्चा जो 3 को बचा हुआ है वो कितना पर बेचोगे, तो 95 से 26 गया तो 69% बचा, यानी कि 23% के प्रॉफिट पर वो बिकेगा, ठीक है ना, कितना परसेंट के प्रॉफिट पर बिकेगा 23% के प्रॉफिट पर, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, चलिए नेक्स्ट चले आ जाओ क्या कह रहा, ध्यान दो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का और हम लोग करेंगे समाप्त, कह रहा है शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल्स कितना में 3679 रुपए, देखो यहां पे ना तय वो अमाउंट का कोई रूल नहीं है, बेकार में दिया हुआ है वो कंफ्यूज करने के लिए, क्यों देखो कह रहा है 3679 रुपए में ये आर्टिकल खरीदा कुछ और उसमें से 4/7 हिस्सा को क्या बोला 4/7 हिस्सा को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, ठीक कह रहा है कैलकुलेट द परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग दैट ही मे गेन 14% प्रॉफिट ओवरऑल, मतलब ये कह रहा भाई साहब 3/7 हिस्सा का कितना में बेचा नहीं पता हमको, लेकिन जब टोटल 7 हिस्सा बिकेगा ना तो 14% प्रॉफिट होगा, क्या होगा 14% प्रॉफिट होगा, आ जाओ फिर वही काम करते हैं, 4 हिस्सा के लिए कितना परसेंट बोला 20%, तो हो गया 80 है ना, चलो उसके बाद बचा 3 हिस्सा नहीं पता कितना हमको करना है, 7 के लिए बोला कितना 14% यानी कि 98% टोटल है, ठीक है अब देखो 98% क्या है टोटल के लिए था, 4 हिस्सा कितना में 80% बेचा, तो भैया 3 हिस्सा के लिए कितना बचेगा 18%, अब 3 हिस्सा के लिए 18% होगा तो 1 हिस्सा के लिए 6% यानी कि 6% प्रॉफिट पर वो सामान क्या करेगा सोल्ड कर देगा, जो 3 हिस्सा बचा है वो वाला, 4 हिस्सा बेच दिया था 20% पर, 7 हिस्सा ओवरऑल प्रॉफिट 14% हुआ था, लेकिन 3 हिस्सा को अगर वो 6% में बेचेगा तब इसका वैल्यू ये आ जाएगा, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताना, नहीं होना चाहिए नहीं होगा सर, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के साथ, है ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।